महाराष्ट्र में अब शिवसेना पर दावेदारी, चुनाव आयोग तक पहुंची लड़ाई, पार्टी को लेकर खींचतान जारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिवसेना पर दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। असली शिवसेना को लेकर लड़ाई अब चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अपने गुट को असली शिवसेना करार दे रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता इस पर अपना दावा जताते हुए चुनौती दे रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों को शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है। इसके बाद आयोग शिवसेना पर अपना दावा जता रहे दोनों गुटों और विवादित मसलों को लेकर विचार करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को ये भी बताया है कि 55 में से 40 विधायक, कई एमएलसी और 18 में से 12 सांसद उनके समर्थन में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने 55 में से कम 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया था और सभी विधायकों के साथ असम में एक होटल में चले गए थे, जिसके बाद एमवीए यानी शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार गिर गई थी। चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में, हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम, बाळासाहेब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग, वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है। और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है, यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाळासाहेब के विचार वाली शिवसेना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इस पत्र में शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। साथ ही ये भी बताया था कि कितने विधायक और एमएलसी उनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे गुट के इस दावे पर उद्धव ठाकरे गुट ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि शिवसेना से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। बहरहाल शिवसेना की लड़ाई शायद अब अंतिम मोड़ पर है। असली शिवसेना यानी शिवसेना पर किसकी दावेदारी होगी, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। एकनाथ शिंदे ने विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि शिवसेना अब उनकी है। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, वहीं 12 सांसदों का भी साथ मिला है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसेना की कार्यकारिणी के मेंबर हैं। कुछ विधायक और सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं, जिसके आधार पर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। वो सुनवाई के बाद किसके पक्ष में निर्णय देता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।